यानी चमक जो है इसकी आंखों पे जब होगी तो एक सेहतमंद बर्ड होने की अलामत होती है। जब भी परिंदा बैठेगा तो ये सोच लें कि इसको बचपन से अटैचमेंट मिली है, तो लोगों ने देखा और उस पर बातें भी बनाई कि ये दिखावा है। नहीं, नॉर्थ विला ये कोई दिखावा नहीं है। तेंदुओं पर ऐसा नहीं होगा कि पूरा गंजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल से आज मुखातिब हूँ। जब हम रिकॉर्डिंग करने जाते हैं लियाकताबाद सदर कौम मंडी, तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कहते हैं कि कभी कभी आप भी हमें कुछ टिप्स दिया करें। तो टिप्स देने के हवाले से आज हमारे दो पॉइंट होंगे। एक पॉइंट में हम आपको बर्ड्स परचेज करने की टिप्स देंगे और दूसरे सेशन में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आइए पहले टिप्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि लालू खेत सदर और मुख्तलिफ शॉप दुकानों में बहुत सारे बर्ड्स बिक रहे होते हैं। अंदाज़ा नहीं कर पाते हम कि हमने किस किस्म का बर्ड लेना। तो आज हम आपको थोड़ी सी पहचान बताएंगे कि किस किस्म के बर्ड्स आपको खरीदने और किस किस्म के बर्ड से आपने अवॉइड करना है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी एक बीमार परिंदा आप ले आते हैं घर पे और घर के परिंदों के साथ उसको छोड़ देते हैं, तो बाकी बर्ड भी बीमार होने के खदशात हो जाते हैं कि उनको भी बीमारी लाहक होगी। तो बेहतर ये है कि पहले जब आप कोई बर्ड्स खरीदें तो दो तीन दिन उसको अलग केज में रखें। रखने के बाद सारी चेक करने के बाद जब खरीदें आप, तो एक केज में रखें, एक केज में दो तीन दिन तक रखें, उसको वैक्सीन करा लें। वैक्सीन पाउडर मिल जाता है नाजामाबाद से, वो वैक्सीन पाउडर उसको दें और उसके बाद फिर अपने बर्ड्स में एडजस्ट करें। तो आइए सबसे पहले हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, वो ये है कि हमने बर्ड्स खरीदते वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो व्यूअर सबसे पहले इसकी आँखों को चेक करना है, इसके आँखों में स्वेलिंग ना हो, इसके आँखों से पानी नहीं आ रहा हो और इसकी आँखों का कंट्रास्ट यानी चमक जो है इसकी आँखों पे जब होगी तो एक सेहतमंद बर्ड होने की अलामत होती है। ठीक है, तो आपने आँखों को चेक करना है कि उसमें सोजिश यानी सूजन ना हो, ना उसमें से पानी निकल रहा हो। और दूसरी बात ये कि आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी आँख लाल ना हो रही हो और इसके आँख सूज ना रही हो। सबसे पहला तो ये टिप्स है कि इसकी आँख से मुतालिक हमने आपको बताया। ठीक है, अब दूसरा जो चेक करने का सिस्टम है इसकी है नोज़ चेक करनी है। इसकी नोज़ जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए और इसकी इर्द-गिर्द मैलाहट पर ना हो तो बेहतर है, एक्टिव होना चाहिए, नोज़ से पानी ना आ रहा हो। अगर पानी आ रहा है तो समझ लें कि ये नज़ले में मुब्तला है। ठीक है, तो हमने आँख भी चेक करने का तरीका बता दिया कि आँख लाल ना हो, आँख के अंदर जितनी चमक होगी बर्ड्स के आँखों में तो उतना एक्टिव होगा, उससे ज़ाहिर होगा कि ये सेहतमंद परिंदा है। ठीक है, आँख एक ऐसी चीज़ होती है कि जो परिंदे की एक्टिविटीज़ को ज़ाहिर कर देती है, तो और जिसमें ब्राइटनेस होगी, डल होगी आँख में, तो वो जो चीज़ है वो बीमारी की अलामत होती है। तो बहरहाल ये चीज़ें चेक करके आप मार्केट से लें। ठीक है, तीसरी चीज़ आ जाती है, जब आप बर्ड्स खरीदें तो यूँ चेक कर लें इसकी निचले हिस्से में गंद ना हो। ठीक है, अगर गंद होगी तो समझ लें इसको मोशन लगा हुआ है, अगर मोशन इसको लगे हुए हैं तो ना लें बिल्कुल। ठीक है, और ये चीज़ क्लीन होनी चाहिए नीचे वाली साइड। दूसरी बात ये कि इसके पैर जो हैं, पैर में रेडिशपन होनी चाहिए ताकि पता चले कि बर्ड के अंदर जो है बर्ड्स हैं, पावरफुल बर्ड्स हैं। अगर इनके पैरों में सफ़ेद डॉट हो रहे हों तो वो बर्ड्स हरगिज ना लें, क्योंकि वो ख़ारिश की अलामत होती है। जिन बर्ड्स को ख़ारिश होती है उनके पंजे में वाइट डॉट से आ रहे होते हैं, तो वो बर्ड्स आप हरगिज ना लें। ठीक है, तो ये चीज़ पैर से भी क्लियर कर दी और
आपको हमने वो भी बता दिया कि आँख वगैरह चेक कर करें। मज़ीद अगर आप मज़ीद चेक करना चाहते हैं तो बर्ड्स की ये जो हिस्सा है इसमें सीप ना आई हुई हो, ये पिचक जाता है। पिचकने का मतलब ये है कि सीप आया हुआ है। सीप उस चीज़ को कहते हैं हमारी अपनी ज़ुबान में जो रूटीन के मुताबिक बर्ड्स दाना नहीं उठाता। जब दाना नहीं उठाता तो वो कमज़ोर हो रहा होता है। अक्सर अंडे देने वाली मादाओं में ये सीप की बीमारी आती हैं क्योंकि वो दाना नहीं उठा पा रही होती हैं अंडे सेकने के चक्कर में। तो उनको भी आप उनके भी खाने का ख्याल रखें। ये सीप जो है यहाँ पर ये बता रहा हूँ ये जो चीज़ें इसमें सीप नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये भरा हुआ होना चाहिए मोटा। अगर ये हड्डी नुमाया नज़र आ रही है बीच की तो इसमें सीप है। तो इस चेकिंग से ये पता चल जाएगा कि आपका परिंदा कितना पावरफुल है। अच्छा, अब यानी चौथी चीज़ जो देखने की होती है ये मुकम्मल इसके फैदर हैं। पर जो हैं इसके कहीं से झड़ नहीं रहे हैं, ना सामने से झड़ रहे हैं ना पीछे से झड़ रहे हैं। तो ये फैदर झड़ते हुए बर्ड हरगिज़ ना लें क्योंकि इसको कहते हैं प्लगिंग में भी आता है। और इसमें एक बीमारी होती है जो पैरट्स में जो ग्रीन रिंगनेस है या पहाड़ी है उसको बिरयानी खिला दी जाए, चिकनी चिकनी चीज़ें खिला दी जाएँ या गोश्त खिला दिया जाए। गोश्त खिलाना तो बिल्कुल समझ लें कि ये पूरा पर होता रहेगा, ठीक है। तो इस किस्म के मार्केट जो लोग ये गलती कर चुके होते हैं तो सोचते हैं कि मार्केट में हम सेल कर दें, तो नए ख़रीदने वाले इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ये एक्चुअल इसके साथ हुआ क्या है। अब मसला ये है कि आपने जिसके पर उतर रहे हों वो ज़रा सही हो भी जाता है और टाइम भी लेता है, यानी मुमकिन भी है और नामुमकिन भी नहीं है। तो ऐसे बर्ड्स पर टाइम वेस्ट करना फजूल है। एक बात और वादे कर लूँ, ये जो कॉकटेल मेरे हाथ में है जो घूम फिर रहा है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कॉकटेल के छोटे बच्चे को निकालें, उसको हैंड फिट करेंगे तो वो आपसे मानूस हो जाएगा। आप ये देखें बार बार ये सर यूँ कर रहा है कि मेरे सर को सुलाओ, ठीक है ना। तो इसमें इसको सिखाना नहीं पड़ता। जंगली को कभी आप हैंड टाइम कर ही नहीं सकते, पर भी काटेंगे इधर उधर भागेगा, इस तरह नहीं बैठेगा। इस तरह जब भी परिंदा बैठेगा तो ये सोच लें कि इसको बचपन से अटैचमेंट मिली है आपके साथ। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग इसके पर काट देते हैं, पंखे चल रहे होते हैं तोड़ के कहीं पंखे में ना टकरा जाए या लॉस ना हो जाए, तो इसलिए इसके पर और काट दिए जाते हैं। ये आराम से हैंड टाइम हो जाते हैं। हैंड टाइम करने का तरीका ये है कि महीना 15 दिन 45 दिन का बच्चा आप निकालें और उसको फीट कराएं। तो ये बचपन से आप चाहे मकाओ का बच्चा ले लें, गिरे का ले लें और उसको रखें, फीडिंग कराएं। और अगर फीडिंग कराते हैं और बड़ा हो जाता है उसको एक केज में छोड़ देते हैं तो फिर वाइल्ड हो जाएगा, वो पाँच में नहीं आएगा। इसको टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो किसी भी चीज़ को हैंड टाइम किया जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई शख्स कह के नहीं मैं करता हूँ या मेरे पास ये नॉलेज है, तो YouTube तो अभी बना है और वीडियो आप लोग अभी बना के चला रहे हो। जब YouTube पे ये वीडियो नहीं थी जब भी ये हैंड टाइम हुआ करते थे, ठीक है, और लोग इनको हैंड टाइम किया करते थे। तो अब YouTube बन जाने के बाद ये नहीं कि हम अपनी बढ़ाई और चढ़ाई की कि इसको इस तरह मुश्किल पैदा ना करें, आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। तो फीड में अब रह गया मसला ये कि फीड क्या दें। फीड में भी दो तीन चीज़ें हैं। जब केटी नहीं थी तो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें, कोई दाल, कोई चना, कोई कुछ, कोई रोटी की उसको कहते हैं चूरी बना के खिलाते थे। तो अब क्योंकि केटी का ज़माना आ गया, लेकिन ज़माना केटी का सिर्फ आया शहरों में आपको केटी मिल जाएगी, लेकिन गांव देहात में आज भी वो अपने मेथड से बच्चे पाल रहे हैं और पल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पल रहे हैं, हम केटी खिला रहे हैं तो बहुत अच्छे पल रहे हैं और वो कुछ खिला रहे हैं तो वो अच्छे नहीं पल रहे हैं। नहीं, अगर प्रॉपर वक्त में उसको फीड मिलती रहेगी बच्चे की ग्रोथ में इजाफा होगा और बच्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो गांव देहात में तो कोई भी ना मेडिसिन लेके जाता, वहाँ भी टोटके दिए जाते हैं,
जिस किस्म के भी टोटके होते हैं वो लोग कुछ खिलाते हैं, ठीक है। जैसे मुर्गी हैं उनको प्याज लहसुन खिला दिया, तोते हैं इनको नज़ला ज़ुकाम हुआ तो इनको कोई गर्म चीज़ खिला दी, जैसे कि बाजरे में ऑयल वगैरह मिला के मछली का तेल वेल, तो इस किस्म के टोटके से उनके बर्ड महफूज रहते हैं। अगर आप भी करेंगे उस किस्म के टोटके तो मेडिसिन से केमिकल से बच सकेंगे। और क्योंकि ये जो है 80 फीट ये केमिकल की बनी हुई है, इसमें केमिकल शामिल है, सॉरी इसमें फूड के साथ केमिकल भी शामिल है। 80 फीट से अच्छी फीड हम घर में तैयार कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उससे अच्छी फीड जो बच्चे को मिलेगी जो मदर फीड कहलाती है वो किस तरह आप उसको दे सकते हैं, 80 से सस्ती भी पड़ेगी और वो मदर फीड टाइप भी हो जाएगी, ठीक है ना। जो माँ उसको खिलाती है उसी तरह आप उसको फीड करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो मदर फीड इज़ मदर फीड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे, उस इससे भी मुतालिक बहुत सारी बातें आपको फीड से मुतालिक बताएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके सवालों के जवाब, आपके उन सवाल के जवाब देंगे कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अपने घर के पेट्स की भी वीडियो बनाएं। तो हमारे घर में जो पेट्स होते हैं वो ढकी छुपी बात नहीं होती है, जहाँ देव अपने चैनल पे चला रहे होते हैं, साहबजादे हैं मेरे और जिन्हें इधर उधर की बना रहे होते हैं। पेट्स हमारे पास कोई खास महंगे पेट्स नहीं हैं, ख्वाहिशात तो काफ़ी हैं लेकिन पेट्स हमने इतने रखे हुए नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब हम मजबूर हैं, गरीब हैं, हमें पेट्स ग्रीन रिंग नेक दिलवा दें, तो पहाड़ी का बच्चा दिलवा दें, तो बहुत सारी डिमांड हो रही होती हैं। तो उन लोगों से मैं बता दूं कि देखें, इंसान की ख्वाहिशात एक अलग चीज़ है और ज़रूरत एक अलग चीज़ है। ज़रूरत में इंसान को सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम उसी पे फोकस करते हैं। जैसे एक बच्ची के कान का आले का मसला था तो वो उसकी ज़रूरत थी, जब उसकी ज़रूरत को हमने फोकस किया तो जितने भी बाशऊर लोग और तमाम लोग बाशऊर हैं माशाल्लाह से, वो इस चीज़ को समझ गए और उन्होंने डोनेशन दिया, ठीक है। तो अब वो फ़ोन पे भी हमसे रास्ते में थे कि कितने पैसे, शुरू में तो नहीं हो पा रहे थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो लोगों ने रब्ता किया उस बच्चे का मसला हल करा दिया। तो ये एक ज़रूरत है, हमने ज़रूरत को कम्प्लीट किया, हमने उस बच्ची को कोई मकाओ का बच्चा लेके नहीं दिया, ये ख्वाहिशात में से हैं ना, हमने उसको कोई काका टूका बच्चा लेके दिया, हमने उस बहरी बच्ची के कान में उन व्यूवर्स के ताउन से आला लगवा दिया। दूसरी बात ये है कि एक बाबा जी थे, वो बेचारे मैदान में पड़े हुए थे, आंधी तूफान बारिश, इंसान है बहसीत इंसानियत, हमें शर्म आ रही थी कि एक इंसान खुले आसमान में पड़ा हुआ है और उम्र के उस हिस्से में जहाँ उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। तो जब हमने वो वीडियो चलाई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहने लगे पैसे देते हैं, हमने कहा अभी ना दें क्योंकि इनके पास रखने की जगह नहीं है। तो हमने कुछ कपड़े स्वेटर वेटर सर्दी के दिन से लेके दिए तो वो अगले दिन चोरी हो चुके थे। तो अब मसला ये है कि अल्लाह अल्लाह करके हमारी कोशिश ये थी कि हम उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ उनकी बच्ची और दामाद वगैरह देखभाल कर सकें, और अगर हम कहीं करीब में ले देते हैं तो उनकी बच्ची डेली आ नहीं सकेगी और उनकी देखभाल नहीं कर सकेगी, क्योंकि उम्र के वो उस हिस्से में थे कि हमारी नीयत ये थी कि वो अपनी बेटी के घर के करीब ही चले जाए। तो अल्लाह ने बड़ी मदद की हमारी इस कोशिश में और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमाई। हमने उन साहब को, बुजुर्ग साहब को उनके बेटी के मकान के करीबी शिफ्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से हर मंथली उसका किराया भी हमारे व्यूवर्स भी दे रहे हैं, जहाँ कहीं होता है तो हम भी हमारी टीम भी कर लेती है, कोई मसला नहीं। लेकिन अल्लाह ताला मददगार है, अल्लाह ताला बहुत खुश सलूकी से ये काम चल रहा है। अब वो मकान और छत उनकी ज़रूरत थी, हमने वहाँ भी उनको ना कोई पहाड़ी का बच्चा लेके दिया और ना मैंने ग्रीन रिंग का बच्चा लेके दिया। कहने की बात ये है कि देखिए, ख्वाहिशात और ज़रूरत में थोड़ा सा फ़र्क महसूस कर रहे हैं। जो लोग बेचारे, मैं हॉस्पिटल भी जाता हूँ कभी, तो मैं उन मरीज़ों को देखता हूँ कि बिस्तरों में पड़े हुए होते हैं,
तो अब क्या होता है कि उनकी ख्वाहिशात तमाम माइनस हो जाती हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाती हैं। उनकी सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि बस मैं जल्दी से सहतियाब हूँ, मुझे कोई मेडिसिन मिले, मैं इस बीमारी से निजात पाऊँ। तो इंसान बहुत जगह घूम फिर के ज़रूरत के आगे फंस जाता है। तो ज़रूरत, कोई आदमी को रोटी की ज़रूरत है और उसको रोटी नहीं मिल रही है तो वो भी बेचारा भूख से निराल होता है। तो हमारे माशरे में तो अभी ये चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। हम किसका किसका ख्याल रखेंगे? रमज़ानों में जो हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की तो लोगों ने देखा और उस पर बातें भी बनाई कि ये दिखावा है। नहीं, नॉर्थ विला ये कोई दिखावा नहीं है, ये हम अपने काम को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप लोग एक वाजियात किस्म के ड्रामे या कॉमेडी टाइप की चीज़ें या बैंक डकैती के वारदात की फुटेज जो YouTube पे होती हैं, ये सारी आप प्रमोशन कर रहे होते हो, लेकिन इस काम की प्रमोशन बिल्कुल नहीं हो रही होती कि आपका पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी भूखा है और आपके इल्म में नहीं है कि वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता और वो बेचारा भूखा सो के रह के किस अजियत से गुजर रहा है, तो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये अवेयरनेस लोगों में जाए। अगर ये अवेयरनेस लोगों में जाएगी और लोग एक दूसरे का ख्याल करने लग जाएंगे तो हमारा यही मकसद है। आप अपने हाथों से हमारी प्रमोशन का मकसद ये है कि नौज़ुबिल्लाह हम कोई ठेकेदार नहीं हैं कि आप हमें ही दें। वो लोग हमें बाहर से भेज रहे होते हैं कि ये कर लें, तो हम वो करके उनको दिखा देते हैं कि हाँ हमने ये चीज़, जैसे बच्चे का आला है तो बच्चे का आला लगवा दिया, बड़े साहब के मकान का मसला था तो मकान करवा दिया, एक बच्ची की शादी का मसला था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेमेंट जिन्होंने भेजी थी हमने उनके सामने गिन के दे दी। तो यकीन जाने अगर जो हमारा एक ईमान है, बड़ी ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की, हम तो एक ज़र्रा हैं, हम आज मरेंगे और कल मिट्टी में मिल जाएंगे, और उसी के कानून के मुताबिक हम जो हैं दूसरों के लिए काम करने के लिए आगे हो जाते हैं। तो बड़ी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और हम ये जो काम कर रहे हैं, अगर बिलफर्ज मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर उन बाबा जैसे अगर मैं नहीं पूछता और वो ये ना बताते कि मेरी बच्ची की शादी है और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत, मुझे बच्ची की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं होने, तो ये कैसे लोगों ने कर दिया? यही ज़रिया था ना, यही एक ज़रिया था जिसको लोगों ने देखा, मुझसे रब्ता किया। मैं अपना फ़ोन नंबर वगैरह नहीं देता हूँ, कॉमेंट्स में जो देता है मैं उसको देता हूँ, फिर वो मुझसे फ़ोन, मैं सिर्फ फ़ोन नंबर देता हूँ, फिर फ़ोन पे बातचीत हो जाती है। वो अगर बैंक अकाउंट मांगना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट दे दें, सबकी अमाउंटें जमा होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची की शादी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के दिखाने की वजह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ असलूबी से अंजाम कर दिया। बातें बनाने से किसी के मसले हल नहीं होते। आप अच्छी चीज़ को प्रमोट करोगे तो अच्छी चीज़ प्रमोशन की तरफ जाएगी, और अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन करते रहोगे या कमेंट्स करते रहोगे तो ये आपकी तरबियत के ऊपर है कि आप क्या किस तरह देख रहे हो। तो हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखाई जाती, ठीक है? अगर वीडियो में हम दिखाते हैं तो हमारे सिर्फ दिखाने का मकसद आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना है कि आप इंसान को इंसानियत के तहत देखें कि इसकी मजबूरी क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। मजबूरी में भी कुछ लोग फंसे हुए होते हैं, जैसे कि हमारे दर एक थे साहब, उनका एक्सीडेंट हो गया मियाँ बीवी का और वो अचानक क्राइसिस में आ गए, तो उनके तरफ भी गए, हम कैमरा लेके कभी नहीं गए, ठीक है? एक साहब ने हमें खातून के लिए कहा कि यार कोई खातून है ऐसी मजबूर, तो मैंने कहा खैरियत? उन्होंने कहा उनको सिलाई मशीन देनी है। मैंने कहा हाँ है, तो सिलाई मशीन देके जो उनका वॉयस जो था वो हमने उनको जो हमने कर दिया, उस खातून ने हमारा शुक्रिया अदा किया, वही वॉयस उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो हमारे देने वाले लोग हैं माशाल्लाह, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे सारे हैं, सबको अल्लाह ताला अपने रहमत में रखे, तो वो लोग ट्रस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ट्रस्ट करते हैं और हम भी उनकी अमानतदारों को पहुँचा देते हैं। तो उनको दिखाने के बाद उनको जो खुशी और तसल्ली होती है, तो बाद लोग तो कहते हैं कि हमने बहुत जगह दिया है लेकिन हमने खर्च होता हुआ सिर्फ आपके चैनल पे देखा है कि हाँ आपने दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।
किसी का मोहताज ना करें और अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। अल्लाह ताला से ही हम मदद मांगते हैं और उसी से मदद मांगते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी फीडबैक आए मुझे ज़रूर कहिएगा। तोते को जो चेक करने के तरीके मैंने बताया पैरट्स को, ये पैरट्स के हवाले से नहीं है, ये तमाम बर्ड्स के हवाले से हैं। अगर आप मुर्गी ख़रीद रहे हैं तो मुर्गी की भी आँख को चेक करें, उसकी नोज़ को चेक करें, उसके पंजे को चेक करें और उसके सीने के सीप की हड्डी अगर निकल रही है उसको चेक करें, उसको मोशन तो नहीं लग रहा है वो चेक करें। आया हम वीडियो में देख रहे होते हैं आप कि हम पूछते हैं कि इसके बाल क्यों उतर रहे हैं, तो वो कहता है लड़ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। बाद दफ़ा पर उतरने की बीमारी भी होती है और इनका कुदरती तौर पे सिस्टम है जिसको फ्रूज कहते हैं यहाँ पर, तो वो उसको प्लगइन भी कहते हैं, जो साल में एक दफ़ा अपने पर गिराता है, लेकिन एक पर गिराता है, दो शिफ्टों में गिरते हैं वो पर। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा गंजा हो जाएगा, ऐसा कभी क्रूज नहीं देखा मैंने। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी किस्म की हम आपको फीडबैक दें आपके सवालों के, तो और परिंदों से मुतालिक भी मालूमात फराहम करें, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।